मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा आनंद। तो अभी बज गए हैं सुबह के 6:30। मैं सो के उठ चुकी हूँ, बाहर निकली हुई थी, देख सकते हैं धूप। तो फटाफट चलेंगे नीचे, सारा काम करेंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नीचे और फटाफट लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद धुलने हैं वो बर्तन, फिर बनानी है चाय। लग चुकी है फ्रेंड्स, बर्तन भी मैंने धो डाले हैं सारे और अब बन रही है चाय। तो मैंने दूध गर्मा लिया है, फटाफट दूध पलट के चाय बनाते हैं। फ्रेंड्स, इधर मैंने जो चाय के लिए दूध और पानी रखा था वो उबल गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी और चाय पत्ती, उसके बाद जो है अदरक वगैरह भी डाल दूँगी। और बगल में जो बर्तन रखे हैं उनको मैं पहले सेट कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बिखरे बिखरे हुए हैं, तो मैं उसको स्टैंड में अच्छे से लगा देती हूँ और जब भी पानी गिरा है उसको वाइपर कर देती हूँ। तो मैंने छोटा सा वाइपर रख रखा है किचन में, उसी से मैं वाइपर कर देती हूँ और अब जो है मैं चलूँगी ऊपर। तो फ्रेंड्स, सारा काम करके मैं ऊपर आ चुकी हूँ। चाय वगैरह दे दी है मैंने बाबूजी को और जो है ढक के अच्छे से आ गई हूँ। अब फटाफट नहाएंगे, नहा के चलेंगे फिर नीचे और पूजा करेंगे, फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और नहा के तैयार हो चुकी हूँ और मैंने कुर्ती पहनी है जो कल मैंने सिली थी, इसको मतलब फिट की थी, लेकिन अभी भी ये लूज़ है तो इसको मैं धुलूँगी एक बार, क्योंकि कॉटन की हो सकता चढ़े, अगर उसके बाद भी ढीली रहती तो मैं इसको फिर से फिट करूँगी। अब चलते हैं नीचे, फटाफट पूजा करते हैं। पूजा हो गई है फ्रेंड्स, अब बनाएंगे नाश्ता। तो फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता। देखिए लड्डू गोपाल कितने अच्छे से बैठे हुए हैं, अब इनको दूध भी देना है गर्म करके। तो यहाँ पे गर्म हो चुका है लड्डू गोपाल के लिए दूध और मम्मी लगा रही हैं इनको भोग। तो इसमें मैंने मिश्री डाल दी है और मम्मी ने इसमें तुलसी की पत्ती डाल के अब लड्डू गोपाल को फटाफट से भोग लगाएंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह तो मैंने पी ली थी, नाश्ते में खाने के लिए बना रही हूँ मैं यप्पी। तो फटाफट यप्पी बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। और जो है उधर मम्मी काट रही हैं सब्ज़ी, तो सब्ज़ी में भिंडी कट रही है और ये यहाँ मैगी खाना स्टार्ट कर दिए हैं और मम्मी फटाफट भिंडी काट दे रही। मैंने भी कटवाया लेकिन अब मैं मैगी खाने जा रही हूँ, मेरी भी रखी है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11, अब चलते हैं फटाफट नीचे और बनाएंगे खाना, क्योंकि अब खाने का समय हो गया है, 11:30 बज चुके हैं। तो चलते हैं नीचे, बनाते हैं खाना। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ नीचे, दाल बन चुकी है। अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी पहले। तो दाल मैंने जो है आज इसमें लौकी वगैरह डाल के बनाई है। इधर बन रही है मेरी भिंडी की सब्ज़ी, तो मैंने भिंडी भी छौंक दी है साथ में और फटाफट दाल में तड़का लगा देती हूँ। उसके बाद जो है आगे फिर जो है चावल बना लूँगी, उसके बाद रोटियाँ सेकेंगे। तो ये रही भिंडी की सब्ज़ी, तो लगभग सब्ज़ी हो गई, बस हल्का सा मैं भून लेती हूँ। और इधर रही दाल जो कि मैंने अभी तड़का लगाई है, तो देख सकते हैं टेस्टी लग रही है दाल। और अब मैं सेकना स्टार्ट कर दिया है मैंने फटाफट रोटियां, क्योंकि खाने का टाइम हो गया और सबको भूख भी लग रही है। तो मैं पहले गर्मा गर्म रोटियां सेकती जाऊंगी और सारे लोग खाना खाते जाएंगे। इधर ये खा रहे हैं खाना और बातें भी कर रहे हैं साथ में, तो ये खा लेंगे, उसके बाद मैं और मम्मी भी खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, खाना खा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर, अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद जो है फिर उठेंगे, तब चलेंगे नीचे। तो फ्रेंड्स, उठने के बाद मैं आ चुकी हूँ नीचे और आते ही मैंने सबसे पहले सेब उठाया, तो बाबूजी को मैं सबसे पहले सेब काट के दूंगी, उसके बाद जो है बाकी का आगे काम करूंगी। बर्तन पड़े हैं कुछ, उनको भी धुलना है और जो है फिर जो है चाय बनाएंगे। तो काला नमक भी डाल देती हूँ और फटाफट लटका देती हूँ बाबूजी के लिए, बाहर ही बैठे हैं, वो निकाल के खा लेंगे सेब।
तो फ्रेंड्स मैंने ले ली है अपनी चाय, तो मैं फटाफट चाय पीऊँगी और उसके बाद मुझे थोड़ा सा चावल भी झाड़ना है। चावल में किनकियाँ हैं तो मैं उसको पहले चलनी वाली थाली से चाल के अलग कर लेती हूँ। उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ खाने में खिचड़ी बनाऊँगी या तहरी बनाऊँगी, तो जो है फटाफट चाल के रख लेती हूँ, अभी बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स खाना खा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और आज का ब्लॉग अब हम यहीं एंड करेंगे। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।